क्राइम न्यूज। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं फियर क्राइम न्यूज। तस्वीर में नजर आने वाला यह वही व्यक्ति है जिसका नाम मानवेंद्र सेन है। इनकी शादी 6 जून 2023 को थी। यह पूर्ण शादी नहीं बल्कि अधूरी शादी थी जो अब दुख के रूप में तब्दील हो गई है। यह दूल्हा झांसी जिले के सिनौरा मोहल्ले में रहने वाला है। मानवेंद्र की शादी झांसी के गौरसराय में रहने वाली ज्योति के साथ तय हुई थी। दूल्हे मानवेंद्र के घर में खुशियां मनाई जा रही थी। औरतें शादी के गीत गा रही थीं। मानवेंद्र डीजे और बैंड बाजे के साथ सच कर दूल्हा बनकर बारातियों के साथ मैरिज हॉल में पहुँच गया। बाराती डीजे पर डांस कर रहे थे। वधु पक्ष के सभी लोग द्वार पूजा और दूल्हे की अगवानी के लिए मैरिज हॉल की द्वार पर पहुंच गए। दुल्हन अपने मुंह बोले पिता और छोटी बहन के साथ मैरिज हॉल में आई और शादी की रस्में शुरू हो गई। द्वार पूजा और जयमाला और सात फेरे की सारी रस्में निभाई जा रही थी। मानवेंद्र सेन ज्योति के मांग में सिंदूर डालकर अपना पत्नी बना चुका था। अब दुल्हन की विदाई का समय आ चुका था। वर पक्ष के सभी लोग दुल्हन की विदाई के लिए तैयारी में लगे थे। तभी अचानक दुल्हन ज्योति का मन बदल गया और वह ससुराल जाने से इनकार करने लगी। जब दूल्हे के पिता को यह खबर हुई, वह पूछने लगा, आखिर शादी के बाद क्या हुआ जो ससुराल जाना नहीं चाहती? तो दुल्हन 3 शर्तें रखी। वह बोली, मैं ससुराल तभी जाऊंगी जब मेरी यह 3 शर्तें आप लोग मानेंगे और खासकर दूल्हा मानेगा। वह 3 शर्तें यहाँ है। पहली शर्त, विदाई के बाद वह दूल्हे के साथ किसी प्रकार का वैवाहिक संबंध नहीं बनाएगी, अर्थात सुहागरात नहीं होगी। दूसरी शर्त, उसके मुंह बोले पिता कभी भी किसी भी समय दुल्हन के घर आ जा सकते हैं, उन्हें कोई रोकने वाला नहीं होना चाहिए। और तीसरी शर्त यह है कि दुल्हन की छोटी बहन दुल्हन के विदाई के साथ दुल्हन के साथ ही जाएगी, दुल्हन के ससुराल में ही जाएगी और वह दुल्हन के ससुराल में ही रहेगी। उसके लिए एक कमरा मुहैया करवाना पड़ेगा और वह उसी कमरे में हमेशा के लिए रहेगी। यह 3 शर्तें दुल्हन ज्योति और उसका मुँह बोला पिता भी कह रहा था। जब यह तीनों शर्तें दूल्हे के पिता और दूल्हे ने सुनी तो उन्होंने इन तीनों शर्तों को मानने से इनकार कर दिया। तभी दुल्हन ज्योति गुस्से में आ गई और अपने मुंह बोले पिता के साथ पिता के घर चली गई। वह ससुराल नहीं गई और अब यह मामला थाने में पहुंच गया है। तो दोस्तों, इस तरह के शर्त और इस तरह की शादी से आपकी क्या राय है? दुल्हन और उसका पिता क्या चाहते थे, ये अनुमान लगाकर कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों। तो दोस्तों, आपराधिक मानसिकता को समझें, सावधान रहें, सतर्क रहें और अपने परिवार को सुरक्षित रखें। आप सभी प्यारे दर्शक बंधुओं को प्यार भरा नमस्कार।